नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर के अमाजी थाना क्षेत्र में देर रात आगजनी घटना सामने आई है, जहां पर बदमाशों ने फरियादी के घर मोटरसाइकिल में आग लगाकर घर पर पथराव किया। इंदौर के अमाजी थाना क्षेत्र में सनसनीखेज घटना सामने आई है, जिसमें आरोपियों द्वारा फरियादी के घर पथराव किया और घर के बाहर रखी दो पहिया वाहन ने आग लगा दी। ये घटना एमआईजी थाना क्षेत्र में रहने वाले दीपक वर्मा के घर पर हुई है। पुलिस के अनुसार दीपक का कुछ दिनों पूर्व रवि और पवन से विवाद हुआ था, जिसके चलते रवि और पवन ने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल घटना को अंजाम देने वाले आरोपी रवि और पवन अभी फरार है। पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। एक फरियादी है दीपक पिता ओम प्रकाश वर्मा, यही जगजीवन रामनगर में किराए से रहता है। उसने कल शाम को आके रात को रिपोर्ट कराई कि उसके घर के बाहर उसकी पल्सर खड़ी हुई थी। तो दो पवन और रवि नाम के लड़के हैं, जो जगजीवन रामनगर के और अंजनी नगर के हैं। तो वो आए और किसी पुरानी विवाद को लेकर उसकी खिड़की पत्थरबाजी की है और गाड़ी में आग लगाकर चले गए। सर, उस वक्त में क्या सामने आया, क्या कारण था जलाने का? कुछ पुराना विवाद था, रंजिश थी, क्या था? 3 साल पहले बता रहा, कहीं मारपीट हुई थी उन दोनों के बीच में, उन दोनों आरोपियों से उसकी मारपीट हुई थी, जिसके चलते प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था। सर, सीसीटीवी फुटेज भी है सर, क्या सामने आया, उसमें क्या नजर आ रहा है? वो लोग आए हैं, पता नहीं आए सीधे, उन्होंने जो अभी प्रथम दृष्टया हमने पाया है उसमें दो लोग आते हैं सीधे और गाड़ी के ऊपर कुछ भी एक लिक्विड डालते हैं सीधे और उसमें आग लगा देते हैं। गाड़ी की सीट टंकी उनकी सब जल जाती है उसमें। सर, उसमें आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं? आरोपी अभी फरार हैं, तलाश जारी है, उनकी टीमें लगा दी गई उनकी। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर। प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।